हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा मॉड्यूल सेकंड चल रहा है और उसके अंदर जो हमारा मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसके थ्रू हम वेरियस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करना सीख रहे हैं। अभी जो हमने लास्ट इक्वेशन ली थी, वहाँ पर हमने आपको वेव इक्वेशन का सोल्यूशन करना सिखाया था। आज भी हम वेव इक्वेशन के कुछ और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि जब वेव इक्वेशन आपकी आती है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सिंपल एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाउंड्री कंडीशंस में भी आपका थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। उस चेंज को आपको ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन में आगे क्या आंसर के अंदर चेंज आएगा वो आपको आज सीखना है। तो आज हम क्या करेंगे, जो आपकी वेव इक्वेशन जो अब तक आपने उसका सोल्यूशन करना सीखा है और उसके ऊपर चार बाउंड्री कंडीशन हमने आपको बताई थी, जिनमें से शुरू की दो तो लगभग स्टेबल ही रहती है हर एक क्वेश्चन में, लेकिन कंडीशन थर्ड और फोर्थ वो कभी कभी चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर में भी चेंज करना पड़ता है। तो आज भी हम क्या करना है, वेव इक्वेशन के ही डिफरेंट टाइप के एक दो क्वेश्चन और ले ले रहे हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का आपको सोल्यूशन करना है आज भी। लेकिन उसके अंदर आज आपको करना क्या है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहले तो आप उसका जनरल सोल्यूशन ही फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे उस पर एक बार फिर से बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो शुरू की जो दो बाउंड्री कंडीशन है वो तो लगभग सेम ही रहती है, लेकिन जो कंडीशन थर्ड और कंडीशन फोर है उस पर आपका चेंज आता रहता है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है उसको आज एक बार फिर से अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आपकी समझ में सोल्यूशन नहीं आ पाया था या आपको लग रहा था कि वहां पर कैसे किस तरीके से हो गए, तो आज भी थोड़ा शुरुआत हम वैसे ही करेंगे क्वेश्चन की जैसे वहां पर की थी, तो एक तरीके का आपका रिविजन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या चेंज आज आपको करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे कहा गया ए टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग विद फिक्स एंड पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल। आपके पास क्या है, कोई एक टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और आपने क्या किया हुआ है, उसे दो छोर पर बांधा हुआ है एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल पर। मतलब वही वाली आपके पास ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वाली या फिर वन डायमेंशनल वेव वाली कंडीशन है। इनिशियली इन ए पोजिशन गिवन वाई वाई इक्वल टू वाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स। ये कंडीशन आपको दे दी गई है कि इसका आपको क्या करना है कि इनिशियली आपको क्या दे दी गई, एक कंडीशन दे दी गई और इस पोजिशन में आपकी स्ट्रिंग रखी हुई है। इफ इट इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स। ठीक है, अगर इसको इस पोजिशन से आपकी स्ट्रिंग को इस पोजिशन से क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा रिलीज कर दिया जाए, थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, तो आपको ये बताना है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाए। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन लगानी है। तो देखिए वही बात कही गई है आपके क्वेश्चन में, आप एग्जाम में पहचान कैसे करेंगे, वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्या कह दिया गया, आपने टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग ली हुई है, मतलब आपने क्या किया हुआ है, कोई एक स्ट्रिंग ली हुई है, कोई एक धागा या डोरी ली हुई है और क्या किया हुआ है उसको आपने एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल, मतलब दो पोल हैं आपके, जो मतलब दो आपको पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच में आपने इसको बांध रखा है। और क्या कहा, इज इनिशियली इन ए पोजिशन गिवन बाय, ये इसकी इनिशियल पोजिशन यानी आपको वाई एक्स जीरो आपको दी हुई है, टी इक्वल टू जीरो पर इसकी पोजिशन आपको दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका ये डिस्प्लेसमेंट इतना मतलब कितना आएगा ये आपको बताना है। तो पहला काम तो आपका वही होगा कि आप अपनी वेव इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे। इसके बाद देखिए मैंने क्या कहा, दो कंडीशन तो आपकी स्टेबल ही रहेंगी, वो क्या रहेंगी कि जीरो टी वाई की वैल्यू जीरो टी पर जीरो रहेगी और एल ओ टी पर भी जीरो रहेगी, क्योंकि आप कितना भी उसको डिस्प्लेस करेंगे जहां पर वो बंधी हुई है उन दोनों कोनों पर कोई उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तीसरी बात क्या होगी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि शुरू में आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस पोजीशन में रखी हुई है, तो यानी जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो उसके अंदर कुछ नहीं है, जब आप उसको रिलीज करेंगे या उसको डिस्प्लेसमेंट देंगे तभी उसके अंदर वेलोसिटी जनरेट होगी। तो आपने यहाँ लिखा सोल्यूशन में वही कंडीशन आप यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से, ये कोई दो आपके पास पोल्स हो गए, ये आपका पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, इनके बीच में आपने क्या किया हुआ है, कोई एक स्ट्रिंग बांधी हुई है। इस पॉइंट को आप जनरली किससे डिनोट कर देते हैं कि आपने बोल दिया वाई जीरो जीरो, इसको आप क्या बोल देते हैं पाई एल जीरो। तो मतलब एल चूंकि इसकी लेंथ हो गई है, एल लंबाई की दूरी पर ये आपको पोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और इसके बीच में आपने स्ट्रिंग बांधी हुई है, एक आपने इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो देखिए आपके पास तीन कंडीशन होती है शुरू में, देखिए आपकी जो वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आप जानते हैं वी नो वेव इक्वेशन क्या, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होती है, डेल टू वाई ओवर डेल टी टू सी स्क्वायर डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू, ये आप जानते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ी थी, मतलब जो आपका प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें भी आपने इसका सोल्यूशन किया। ठीक है, तो इसके लिए आपकी पहली कंडीशन क्या होगी, पहली बाउंड्री कंडीशन है आपकी
क्योंकि आपके पास क्या है कि दोनों जो आपके सिरे हैं वो फिक्स हैं, तो वहां पर क्या होगा, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट या वाइब्रेशन नहीं होगा, इन दोनों सिरों को आपने फिक्स किया हुआ है। तो यानी पहली बाउंड्री कंडीशन हो गई है वाई जीरो टी इक्वस टू जीरो। दूसरा कोण है क्या है इसका, वाई एल टी इक्वस टू, ये क्यों हो गई है, देखिए ये वाला जो आपका आपका जो आपने फिक्स एंड लिया हुआ है, तो यानी यहाँ पर क्या है, एक्स की लंबाई जीरो है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है एल है, चूंकि एल लंबाई की दूरी पर आपने इनको बांधा हुआ है। तो किसी भी समय टी इक्वस टू जीरो पर या किसी भी समय टी पर जब आप इसको देखेंगे, तो इसके अंदर इन दोनों सिरों पर किसी भी समय टी, कोई सा भी आप समय ले सकते हैं, चाहे वो इनिशियल समय हो, चाहे वो फाइनल समय हो, चाहे आप कितनी भी देर से इसके अंदर वाइब्रेशन कर रहे हो, इन दोनों सिरों पर किसी भी समय टी पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा या कोई भी डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में नहीं होगा। इन दोनों सिरों पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन का मतलब क्या है कि वाई जीरो टी की जीरो लंबाई पर जहां पर आपका आपने फिक्स किया हुआ है डोरी को, किसी भी समय टी पर आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, क्योंकि दोनों सिरे आपने फिक्स करे हुए हैं, टाइट करके बांधे हुए हैं, तो वहां पर आपकी स्ट्रिंग नहीं हिलेगी। इसका मतलब एल लंबाई पर और जीरो लंबाई पर किसी भी समय टी पर कोई डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, चूंकि आपके पास इसमें क्या है कि शुरू में आपको इस पोजीशन में रखी हुई है आपकी, आपको एक पोजीशन दे दी गई है कोऑर्डिनेट्स के थ्रू कि ये पोजीशन है इसमें रखी हुई, तो यानी इनिशियली आपके रेस्ट में है, तो यानी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है तो वो क्या है आपकी जीरो है। तो आपने क्या लिख देंगे इसके अंदर, थर्ड कंडीशन, थर्ड जो आपकी कंडीशन होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी डेल वाई ओवर डेल टी इक्वस टू जीरो एंड टी इक्वस टू जीरो, ये आपकी थर्ड बाउंड्री कंडीशन हो गई है। तीनों कंडीशन अभी तक सेम ही है, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है तीनों कंडीशन यही है, लेकिन जो आपकी फोर्थ कंडीशन है, प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ आपको और दी गई थी, यहाँ पर आपको ये दे दिया गया, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कुछ और दिया गया तो यहाँ पर ये दे दिया गया कि आपने क्या डिस्प्लेसमेंट दिया, वाई इक्वस टू वाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। तो ये जो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है यानी वाई एक्स जीरो, देखिए चूंकि ये इसकी इनिशियल पोजिशन है, चूंकि इस पोजिशन से आपने इसको रिलीज किया, तो यानी ये इनिशियल पोजिशन है टी इक्वस टू जीरो पर किसी भी दूरी एक्स पर जहां से आपने इसको पकड़कर रिलीज किया है, तो वो क्या है आपके पास, पाई नोट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एन, ये आपको वो पोजीशन दे दी गई। आपने क्या करा, इसको एक्स लंबाई यानी किसी भी लंबाई पर से पकड़ा बीच में से, और आपने इसको रिलीज कर दिया, इसको आपने पकड़ के छोड़ दिया, तो जो इसके अंदर ये वाइब्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो इनिशियल कंडीशन इनिशियल पोजीशन यानी वाई एक्स जीरो की वैल्यू आज आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो इसके डिस्प्लेसमेंट होंगे, जो इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वाई एक्स टी वो कितनी आ जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे वी हैव वन डाइमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डाइमेंशनल वेव, एक बार फिर से सॉल्यूशन करना सीख लेते हैं, अगर नहीं भी आता है आपके तो देख लीजिए क्या आप लिखते हैं यहाँ पर, ये वी नो वन डाइमेंशनल वेव इक्वेशन डेल टू वाई ओवर डेल टी टू सी स्क्वायर डेल टू वाई ओवर डेल एच टू। तो देखिए आपकी इक्वेशन नंबर वन हो गई है। काम आपको वही से करना शुरू होता है जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, कहाँ से शुरू करते हैं आप, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि वाई क्या है, एक्स और टी का फंक्शन है, तो आप मानते हैं लेट लेट वाई इक्वस टू एक्स टी। तो लिख देते हैं वेयर कैपिटल एक्स इज, वेयर कैपिटल एक्स इज फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली एंड कैपिटल टी इज फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, एक तो आपको ये चाहिए और एक आपको ये चाहिए, तो आपको क्या करना है, अब देखिए आपने लिखा सिंस वाई इक्वस टू एक्स टी, तो आपने क्या करा यहाँ पर, जब आप डेल वाई ओवर डेल टी कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका ये डेल, ये आपका एक्स तो एज इट इज रहेगा, एक्स अपनी जगह, तो आपने क्या लिखा डेल टी ओवर डेल टी। आप इसको जानते हैं कि आप इसको अगर ये सिंगल एक्स एक्स का ही फंक्शन है, तो आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी टी ओवर डी टी, तो डेल वाई ओवर डेल टी इक्वस टू एक्स टी डैश। ऐसे इसका एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डेल टू वाई ओवर डेल टी टू एक्स डेल टू टी ओवर डेल टी टू एक्स डी टू टी ओवर डी टू टी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ या थोड़ा ज्यादा कॉर्नर में आ रहा है, तो इधर लिख देते हैं एक्स डी टू टी ओवर डी टी टू। तो इसका मतलब क्या मिला आपको,
डेल टू वाई ओवर डेल टी टू की वैल्यू एक्स टी डबल डैश, ये आपको मिल गई है। ये आप जानते हैं, काफी बार आप ऐसा काम कर चुके हैं वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, कि अगर आपके पास एक्स सिर्फ एक्स का ही फंक्शन है और कैपिटल टी सिर्फ स्मॉल टी का ही फंक्शन है, तो आप करते क्या है यहाँ पर, ये आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो इसके ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाता है। तो यानी डेल का आप पार्शियल डेरिवेटिव करें या इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करें, बोथ विल रिमेन सेम। तो आपने जब इसके वैल्यू निकाल ली तो कितनी आ गई है, एक्स टी डबल डैश आ गई। अब साथ ही आपको करना क्या है, आपको इसकी वैल्यू भी चाहिए, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगेन एक बार लेते हैं, ऑल्सो लिखेंगे सिंस, वहां पर आप इक्वेशन का नंबर भी डाल दीजिए जो आपकी प्रीवियस स्लाइड थी, ये आपकी फर्स्ट आ गई थी, इसको आपने क्या बोल दिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर, सेकंड बोल दीजिए, इसको आप थर्ड बोल दीजिए, क्या मिलेगा आपको, जो जो भी मिल रहा है वो लिख देंगे यहाँ पर आप। अब देखेंगे इसके आगे क्या लिखा आपने, सिंस वाई इक्वस टू एक्स टी, तो लिखा लिए क्या, डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो ये कितना हो गया, डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ये कितना हो गया, टी हो गया, तो यानी डी एक्स ओवर डी एक्स टी हो गया, डेल वाई ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स डैश टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्योंकि अभी खाली इससे काम नहीं बनना है, तो आप लिखेंगे इसमें ऑल्सो डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू, डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स टू, डी टू एक्स ओवर डी एक्स टू, ये टी हो गया आपका, तो करेंगे क्या, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू एक्स डबल डैश टी, इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फोर बोल दीजिए। अब आप करेंगे क्या, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर सेकंड थर्ड और फोर्थ से उठाकर वैल्यू रख देंगे, तो आप लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, तो क्या क्या मिलेगा आपको देख लेते हैं, क्या लगानी है इसकी वैल्यू, डेल टू वाई ओवर डेल टी टू की वैल्यू लगा देनी है यहाँ पर, क्या मिलेगी आपको, ये क्या मिली थी, एक्स टी डबल डैश, और ये कितना मिल गया आपको, सी स्क्वायर एक्स डबल डैश, ये कितना मिला था आपको, ये वैल्यू आपको एक्स डबल डैश टी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर पाँच आ गई है। आप क्या करेंगे, इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आपके पास है टी डबल डैश ओवर टी वन अपोन सी स्क्वायर एक्स डबल डैश अपोन है, ये आपके पास आ गई, इसको आप क्या मान लेते हैं, आप देखिए इसके तीन केस आपको बनाने हैं, तो आपको करना क्या, इक्वेशन पाँच इसको ना लिखकर आप इसको भी लिख सकते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन ये वाली आई है जब आपने वेरिएबल सेपरेबल कर दिए हैं, देखिए टी वाले टी डैश के वालों के साथ टी आ गया और एक्स डैश वालों के साथ एक्स आपका आ गया है, तो आपके वेरिएबल क्या हो गए हैं, सेपरेट आ गए हैं, मतलब कहने का ये है कि आपके एक्स वाले और एक्स डबल डैश वाले वो एक साथ आ गए हैं, टी डबल डैश और टी वाले वो एक साथ आ गए। अब देखिए आपको तीनों केस पढ़ने होते हैं इसमें, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने खाली डायरेक्टली माइनस पी स्क्वायर ले लिया और उसके सोल्यूशन को आपने कर दिया, तो आप अगर माइनस पी स्क्वायर के लिए दिखाएंगे तो प्लस पी स्क्वायर के लिए भी दिखाना पड़ेगा और जीरो के लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, दो केसेस के जो आपको सोल्यूशन मिलते हैं उनको आप रूल आउट कर देते हैं, उसका कारण आप देते हैं क्यों करते हैं, और इसके बाद जो तीसरा सॉल्यूशन आप लेते हैं उस सॉल्यूशन के ऊपर आप अपनी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहां पर आपने लिखा केस वन, आपने लिखा लेट वन अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी एक्स डबल डैश ओवर एक्स इक्वस टू माइनस पी स्क्वायर, ध्यान लीजिए लेट वन अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी इक्वस टू माइनस पी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी डबल डैश इक्वस टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, आप इसको इधर ले गए और ये साथ में क्या आ जाएगा, इधर ये टी आ जाएगा। अब आप जानते हैं टी क्या होता है आपके पास, ये तो आप लिख देंगे इस तरीके से, टी डबल डैश आप जानते हैं डी टू टी ओवर डी टी टू, या इसको इधर ले आइए तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं इसको, टी डबल डैश इक्वल टू ये लिख दीजिए प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। अब आप देख पा रहे हैं कैसी बन गई आपके पास, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके पास बन गई है, तो आप क्या लिखेंगे इसका, सी एफ आप लिखेंगे, आपने लिखी यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या बन जाएगी, डेरिवेटिव्स को आप एम से रिप्लेस कर दीजिए, एम स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी को आप वन से रिप्लेस कर दीजिए, तो एम स्क्वायर कितनी होगी आपके पास, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम आपके पास हो गया है आयोटा
पीसी, ये आपके पास एम की वैल्यू आपको मिल गई। आप देख पा रहे हैं कैसे रूट्स आए हैं आपके, यहां पर आपके रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट आपके पास ये रूट्स हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट रूट मिले तो आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो है क्योंकि रियल पार्ट जीरो, और बीटा की वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पर पीसी आपको दे रखी है। तो जब आप सी एफ यहाँ पर लिखते हैं तो सी एफ क्या आता है आपके पास, ये जो आपका फॉर्मूला होता है ई की पावर अल्फा टी सी वन कॉस सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दीजिए। डायरेक्टली पहले मैं बीटा ही लिख देता हूँ जिससे आप फिर बाद में आप इसकी वैल्यू लगाइए, कॉस बीटा टी प्लस सी टू साइन बीटा टी, ये आपका हो गया। तो सी एफ कितना हो गया, ई की पावर जीरो टी सी वन कॉस पी सी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप सी एफ यहाँ पर लिख दीजिए, आपका सी एफ आ गया है, कितना आ गया आपके पास है सी एफ, सी एफ लिख दीजिए सी वन कॉस सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी, ये आपको यहाँ पर मिल गया है। ये आपका सी एफ है, जो आपका पी आई है क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी जीरो है तो पी आई आपका जीरो हो गया, तो आपका जो ये बना ये जो आपको टी की वैल्यू मिलती है तो टी इक्वल्स टू आपको मिला सी एफ प्लस पी आई, तो टी की वैल्यू आपको मिलती है सी वन कॉस सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर सिक्स बोल सकते हैं क्योंकि पांच आपके पास ऑलरेडी आ चुकी थी। जैसा आपने टी के लिए सॉल्यूशन किया है वैसे ही आपको सॉल्यूशन एक्स के लिए भी करना है। तो आप क्या लेते हैं, देखिए क्योंकि आपके पास ये वाली दूसरी इक्वेशन थी जब वेरिएबल आपने सेपरेट कर लिए थे, तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, ये आपको लेना है। लेते हैं आप यहाँ पर लेट एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस पी, इससे हमें क्या मिलेगा एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू। अगेन ये कैसी बन गई, अगेन आपके पास फिर से ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट बन गई, जिसके लिए आपको इसका सी एफ और पी आई निकालना पड़ेगा। तो अगेन आपने यहाँ हेडिंग डाला सी एफ, तो आपने यहाँ पर लिखा ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आप इसके लिख रहे हैं क्या मिल जाएगी आपको एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, तो m आपको कितना मिल जाएगा प्लस माइनस आयोटा p। अगेन आपके पास कैसे रूट्स आए हैं, आपके जो रूट्स आए हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट आपके पास रूट्स आए, तो कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट है, तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई है, बीटा की वैल्यू आपके पास p हो गई है। तो सी एफ आपका कितना मिला आपको, ये सी एफ आपका है, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला e की पावर अल्फा एक्स सी थ्री कॉस बीटा एक्स सी फोर साइन बीटा एक्स, ये आपके पास हो जाएगा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं जीरो है, बीटा आपको पी दे रखा है, तो आपको क्या बन जाएगा ये, तो सी एफ आपका बन जाएगा ये सी एफ आपका मिला ई की पावर जीरो एक्स सी वन कॉस पी एक्स सी थ्री ले लीजिए क्योंकि सी वन सी टू ले चुके हैं सी फोर साइन पी एक्स, ये आपने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, सी एफ आपका आ गया, तो सी एफ आपको मिलता है ये सी थ्री कॉस पी एक्स सी फोर साइन पी एक्स, जो पी आई है आपका वो कितना है आपका जीरो है, तो आप लिख देंगे एक्स इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये आपको मिल रहा है। एक्स की वैल्यू सी एफ प्लस पी आई आपको मिली है यहाँ से, तो एक्स आप लिख देंगे क्या सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स, ये आपको मिली। इसको आपने क्या बोल दिया यहाँ पर, आप इक्वेशन नंबर आपकी क्योंकि कहाँ तक आ गई थी वो देख लेते हैं, सिक्स तक आ गई थी, तो इसको आप इक्वेशन नंबर सेवन आपने यहाँ पर बोल दिया। अब आप लिख दीजिए जो आपका ये सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप लिखेंगे हेंस वाई इक्वल्स टू एक्स टी या टी एक्स जो भी आपने लिया हुआ, चलिए टी का पहले निकाल टी को पहले लिख देते हैं। तो जो आपका ये सॉल्यूशन आया है जिसको आप एक्स और टी का फंक्शन बोल रहे हैं वाई एक्स टी, तो कितना आया है आपका सी वन कॉस सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी, ये आपका मिला, ये आपका मिला सी थ्री कॉस पी एक्स सी फोर साइन पी एक्स, ये आपका सॉल्यूशन।
ठीक है। तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 8, आप इसको बोल सकते हैं, ये आपको पहला सोल्यूशन मिल गया, यानी केस वन का आपको सोल्यूशन ये मिल गया है। ऐसे ही आप क्या करें, जैसे आपने पी स्क्वायर के लिए किया है माइनस का, ऐसे ही आप प्लस पी स्क्वायर के लिए एक बार फिर से करते हैं। तो आपने लिख लीजिए केस टू, केस टू आपने लिया फ्लैट वन अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी एक्स डबल डैश ओवर एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये आपने अपनी तरफ से मानना है। तीनों केस आपको यहाँ सोल्यूशन करना है, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि किसको आपने रूल आउट करना है और किस सोल्यूशन पर आपको काम करना है, वो आपको आगे डिसाइड करना है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, लेट वन अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो इससे आपको क्या मिलेगा टी डबल डैश पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो आप देख रहे हैं क्या इक्वेशन आपको मिली, टी डबल डैश माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो। अगेन ये कैसी बन गई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी वाली विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, ये आपके पास आपको मिल गई है। तो आप करेंगे क्या, इसके अंदर फिर से इसका सी एफ आप लिखेंगे, तो सी एफ आप लिखेंगे क्या लिखे यहाँ पर आप, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये आपने लिखी ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या मिल जाएगी आपको, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस पी सी, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो यानी कैसे रूट्स आए आपके पास, ये रियल एंड डिस्टिंग, तो रियल एंड डिस्टिंग रूट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप समझ गए इसका सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ क्या हो जाएगा, आप चूंकि ऑलरेडी सी फोर तक कॉन्स्टेंट ले चुके हैं, कितना होता है आपके पास ये e की पावर m1 क्या बोल दीजिए t प्लस यहाँ पर क्या ले लीजिए c5 ले लीजिए c6 e की पावर m2 t, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, तो आपका जो सी एफ आता है वो c1 e की पावर m1 x c2 e की पावर m2 x, इस तरीके से। चूंकि अब आपका जो सोल्यूशन है t की टर्म में आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, c5 ले लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट आप ऑलरेडी c1 c2 c3 c4 यूज कर चुके हैं। सी एफ आप लिख दीजिए यहाँ पर c5 e की पावर m1 आपने क्या ले लिया पी सी टी, और ये कितना हो जाएगा c6 e की पावर माइनस पी सी, ये आपके पास सी एफ हो जाए, ठीक है, ये आपको सी एफ मिला। अब देखिए बात करते हैं किसकी, पी आई की, पी आई की बात करें तो आपकी राइट हैंड साइड कितनी है यहाँ पर, जीरो है। पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो वो जीरो है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया टी आपका सी एफ प्लस टी आई, टी की वैल्यू क्या हो गई सी फाइव ई की पावर सी पी टी सी सिक्स ई की पावर सी पी, ये टी की वैल्यू आपको मिल गई है। इस पर भी आप इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, आपकी इक्वेशन सेवन तक आ गई थी, आपकी इक्वेशन नंबर एट हो गई है, ये आपको मिल। ऐसे ही आप क्या करिए, एक्स का सोल्यूशन करते हैं फिर से एक बार पी स्क्वायर टर्म में, तो आप लीजिए लेट एक्स डबल डैश ओवर एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर, इसका मतलब x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगेन ये क्या बन गई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट आपके पास बन गई है। इसका फिर से सी एफ निकालेंगे आप, तो सी एफ निकालेंगे तो क्या आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन आपके पास ये x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, सी एफ आपने लिखा तो क्या मिल जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस पी, आपको ये मिल गई है। तो आप जानते हैं फिर से अगेन आपके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आपके पास रूट्स हैं। तो आपका जो सी एफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी सिक्स तक आप ले चुके हैं, सी वन ई की पावर एम वन एक्स सी एट सी एट ई की पावर एम टू एक्स, तो आप लिख देंगे यहाँ पर ये कितना मिला आपको, सी सेवन ई की पावर पी एक्स सी एट ई की पावर माइनस पी एक्स, ये सी एफ आपका आ गया। पी आई आप देख पा रहे हैं, पी आई कितना है आपका, वो जीरो है, तो पी आई आपको जैसे ही जीरो मिला तो आप लिख दीजिए इसका सोल्यूशन, हैंस एक्स इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलती है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई है सी सेवन ई की पावर, ये आपको मिला है पी एक्स प्लस सी एट ई की पावर माइनस पी, ये आपका अगेन एक बार एक्स आ गया। देख लेते हैं इसको कौन सा इक्वेशन नंबर देना है, जो प्रीवियस आपकी जो इक्वेशन आई थी उसको आपने एट नंबर दिया था, ये आपका आ गया है इक्वेशन नंबर नाइन, तो आप नाइन नंबर दे देंगे। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो आपके ये एट और नाइन्थ इक्वेशन आई है इनका आपको क्या लिखना है,
सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिख देते हैं इसको, आप लिख दीजिए हेंस वाई इक्वस टू टी एक्स। तो ये क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, वाई आपका टी एक्स, तो टी एक्स कितना मिला आपका, ये टी आपका कितना आ गया था, प्रीवियस इक्वेशन देखते हैं क्या रहा है, सी फाइव ई की पावर सी पी टी, सी सिक्स ई की पावर माइनस सी पी टी, सी फाइव ई की पावर सी पी टी, सी सिक्स ई की पावर माइनस सी पी टी, और जो आपका ये वाला आया था ये मल्टीप्लीकेशन में सी सेवन ई की पावर पी एक्स, सी एट ई की पावर माइनस पी एक्स, ये आपको मिल गया। अब हमें करना क्या है, देखिए ये तो आपका सोल्यूशन आ गया जिसको आपने केस सेकंड में ऑप्टेन किया है, तो आपके पास जो भी इक्वेशन आ गई थी वहां पर आपके पास एट, इसको आप क्या बोल दीजिए, आपके पास ये नाइन इक्वेशन आ गई थी, इसको आप क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर टेन आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो सोल्यूशन तो आपको मिल गए हैं, दो केसेस में आपने सोल्यूशन कर लिए हैं, अभी एक केस आपके पास और बचा हुआ है, तो आप केस थ्री यहां पर लेते हैं, तो आपने लिया यहां पर केस थ्री, आप लेते हैं केस थर्ड फ्लैट वन अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी एक्स डबल डैश ओवर एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपने यहां पर क्या लिया, फ्लैट, ये आपने बोल दिया कि जीरो के इक्वल अब आप ले रहे हैं, तो कितना मिला, वन अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश ओवर टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब टी डबल डैश इक्वल टू जीरो। तो जब आप देख रहे हैं इसका भी आप सी एफ लिखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिखी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू जीरो और जीरो, कैसे रूट्स हैं, रियल एंड रिपीटेड आपके पास रूट्स आए, जब रियल रिपीटेड आते हैं जो सी एफ का केस बनता है वो क्या बनता है, आठ तक आप ले चुके हैं, सी नाइन ई की पावर एम वन एक्स, एक्स सी टेन ई की पावर एम वन एक्स, चाहे वहां एम टू ले लें, एम वन एम टू दोनों चूंकि सेम ही है, तो आपके पास ये सी एफ बना, सी एफ आपको मिलेगा सी नाइन ई की पावर जीरो एक्स, एक्स सी टेन ई की पावर जीरो है, तो आपका सी एफ कितना मिला, सी एफ आपको मिला सी नाइन प्लस एक्स, कितना मिला सी टेन, ये आपको मिला सी नाइन प्लस एक्स सी टेन, ये आपको मिला। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या, सी एफ आपको होगा पी आई कितना है आपका जीरो है, तो आप लिख देंगे हेंस कैपिटल टी इक्वस टू सी एफ प्लस पी आई, तो कैपिटल टी इक्वस टू सी नाइन, और चूंकि ये चूंकि टी का सोल्यूशन है तो यहाँ पर टी आप लगा पर यहाँ पर लीजिए एक्स के प्लेस पर, पूरे में यहाँ पर टी ले लीजिए, एम वन टी प्लस सी टेन ई की पावर एम टू एम वन टी, तो सी नाइन ई की पावर जीरो टी, सी टेन ई की पावर जीरो टी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी टी की कर दीजिए क्योंकि टी आपने लेना है, तो टी यहाँ भी क्या कर दीजिए, यहाँ पर भी टी कर दीजिए आप, सी नाइन प्लस टी सी टेन, सी एफ सी नाइन प्लस टी सी टेन, ये आपको यहाँ पर मिल गया। ऐसे ही आप इसका सोल्यूशन किसके लिए करिए, एक्स के लिए करिए जीरो के लिए, तो आप मान लीजिए फ्लैट एक्स डबल डैश ओवर एक्स इक्वस टू जीरो, इसका मतलब एक्स डबल डैश इक्वस टू जीरो, तो सी एफ आप लिखेंगे, तो क्या लिखा आपने यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर इक्वस टू जीरो, एम इक्वस टू जीरो और जीरो, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब देखिए आपने यहाँ पर ये लिखा एम इक्वस टू जीरो और जीरो, तो सी एफ आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रूट्स अगेन आपके कैसे आ गए, ये जो आपके रूट्स आए हैं इस बार फिर से जो आपने ये लिखा कैसे हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे यहाँ पर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड रिपीटेड या रियल एंड इक्वल आपके रूट्स आए हैं, तो आपका सी एफ क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि टेन तक तो आप कॉन्स्टेंट भी ले चुके हैं, तो सी एफ आपका मिलेगा सी इलेवन ई की पावर एम वन एक्स, एक्स सी ट्वेल्व ई की पावर एम वन एक्स, सी एफ आपको मिलता है सी इलेवन ई की पावर जीरो एक्स, एक्स सी ट्वेल्व ई की पावर जीरो है, सी एफ आपको मिला सी इलेवन प्लस एक्स सी ट्वेल्व, ये आपको मिला। तो पी आई है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल वो कितना है जीरो है, तो आपका जो मिला आपको ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स इक्वस टू सी एफ प्लस पी आई, एक्स इक्वस टू सी इलेवन प्लस एक्स सी ट्वेल्व, पी आई कितना है आपका जीरो है, ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। तो आप इनका सोल्यूशन लिख दीजिए, जो भी आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई थी, इक्वेशन नंबर आपके पास पहुंच गई थी, देखते हैं कहां तक आपने लिख दी थी, दस तक आपके पास आ गई थी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर इलेवन लिख दीजिए, उसको आप इक्वेशन नंबर ट्वेल्व लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे यहाँ पर
फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 12। तो इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 से आपका क्या सॉल्यूशन मिलता है वो लिख दीजिए। तो y इक्वल्स टू टी एक्स, तो देखिए आपका क्या आया है वहां पर इक्वेशन नंबर 11 में, ये c9 plus t c10 और इसकी मल्टीप्लाई x से कर दी, जो आपको सॉल्यूशन यहां मिला है वो कितना है c11 plus x c12, ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए आपको ये सॉल्यूशन मिला है, आपकी इक्वेशन नंबर आपकी आ गई है 13, आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई है। तो ये जो आपको सॉल्यूशन मिले, जो कि आपको तीन अलग अलग केसेस में मिले हैं, तो देखिए जो आपको पहला सॉल्यूशन मिला था वो केस नंबर 1 जब आपने लिया था, केस नंबर 1 में आपको सॉल्यूशन कौन सा मिला था उसको देख लीजिए। केस नंबर 1 में जो आपको सॉल्यूशन मिला था यानी इक्वेशन नंबर 8 में, वो आपको ये मिला, इसके अंदर पीरियोडिक फंक्शन है। बाकी जो आपको दोनों सॉल्यूशन मिले हैं, चाहे वो आप इसको देखिए, ये जो आपको इस वाले केस में मिला है सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दूसरा वाला सॉल्यूशन जो आपको मिला है, इसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको कौन सा सॉल्यूशन कंसीडर करना है, क्योंकि आप वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसा आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर पीरियोडिक फंक्शन हो। उससे होता क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन मोर सुटेबल माने जाते हैं वाइब्रेशंस को दिखाने के लिए। तो आप इसके अंदर लिख देते हैं, ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, सिंस वी आर डीलिंग विद द वाइब्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो टू सी द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन मस्ट हैव पीरियोडिक फंक्शन। क्या होने चाहिए उसके अंदर, पीरियोडिक फंक्शन जरूर होने चाहिए। तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन इन केस वन इज मोर सूटेबल। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या मिला, तो आपने लिखा हैंड सॉल्यूशन इज वाई एक्स टी इक्वस टू, ये आपको मिल जाएगा सी वन कॉस सीपीटी प्लस सी टू साइन सीपी टी, ये आपका हो जाएगा दूसरा सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी एक्स। तो ये आपका क्या है, मोर सुटेबल सॉल्यूशन, और अभी तक का आपका ये सॉल्यूशन है। अब देखिए हमें करना क्या है, इसके ऊपर ही आपको क्या लगानी है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके आपको देखनी है। तो बाउंड्री कंडीशन आप कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए शुरू की तीन कंडीशन तो जस्ट सेम ही है, तो उनको एक बार आप फिर से लगाना सीख लेंगे, लेकिन जो फोर्थ कंडीशन है उसको आपने चेंज किया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए आपका क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखिए वी हैव सॉल्यूशन वाई एक्स टी इक्वल्स टू सी वन कॉस सीपीटी प्लस सी टू साइन सीपीटी, ये हो जाएगा आपका साथ में कितना है सी थ्री कॉस पी एक्स प्लस सी फोर साइन पी। अब करते क्या है, इस पर आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं जो भी आपकी आ गई थी। देखिए पहली बाउंड्री कंडीशन जो आपको दी गई है, तो देखिए क्या दिया गया है उसमें, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में सिंस वाई जीरो टी इक्वस टू जीरो, इसका मतलब आप जानते हैं कि जो दोनों आपका फिक्स रहा है, वो पहले वाला जो फिक्स रहा है, वहां पर किसी भी समय टी पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों फिक्स कर दिए गए हैं। इस कंडीशन को जब आप लगाते हैं तो y 0 t की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x के प्लेस पर x रखा रहने दूं, x के प्लेस पर 0 रख दूं और t के प्लेस पर t रखा रहने देता हूं। तो c1 cos cpt c2 sin cpt, इसकी जगह पर 0 लगाता हूं, तो c3 cos 0 plus c4 sin 0, तो ये कितना हो गया आपका 0 c1 cos cpt प्लस सी टू साइन
ये आपका कितना हो गया है, ये आपका सी थ्री कॉस जीरो यानी वन हो गया है, सी फोर साइन जीरो आपका वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपके दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो आपको दो टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि या तो ये वाला टर्म आपका जीरो होगा या फिर आपका ये वाला टर्म जीरो होगा। अब देखिए क्योंकि ये वाला टर्म तो आपका जीरो नहीं हो सकता है पहले वाला, क्योंकि अगर यही जीरो होगा तो आपका पूरा सोल्यूशन ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो है दूसरा वाला कॉन्स्टेंट है सी थ्री आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप क्या लगा दीजिए ऊपर सी थ्री जीरो लगा दीजिए, तो आप लिखेंगे सो सोल्यूशन इज, सोल्यूशन इज वाई एक्स टी सी वन कॉस पी एक्स कॉस सी पी टी कॉस सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी, और ये कितना होगा आपका सी थ्री क्योंकि जीरो हो गया है, सी फोर साइन पी एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 14 आपको अब तक मिल चुकी है, क्योंकि सी थ्री आपने जीरो कर दिया पहली कंडीशन लगाकर। अब देखिए दूसरी, इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो आपने क्या बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, आपने लिखा सिंस सेकंड कंडीशन है वाई एल टी इक्वल टू जीरो, यानी एल लंबाई पर किसी भी लंबाई पर आप कोई जो इसका एल लंबाई पर दूसरा सिरा आपने फिक्स करके रखा हुआ है उस लंबाई पर भी कोई वाइब्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि आपने उसको फिक्स किया हुआ है तो वहां पर भी कोई वाइब्रेशन चूंकि आपके नहीं हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है इसकी वैल्यू को इसमें लगाना है जो आपका सोल्यूशन आया है। तो आप लिखेंगे सिंस, क्या लिखे, सॉल्यूशन इज जो अब आपको मिला था वो कितना मिला था, वाई एक्स टी सी वन कॉस सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी, और ये आपको मिल गया था सी फोर, जो आपको ये सॉल्यूशन मिला था ये मिला था आपको सी फोर साइन पी एक्स साइन पी एक्स। ठीक है, तो आप इसके अंदर लगा दीजिए कंडीशन, तो ये कितनी मिलेगी आपको, इसको जीरो कर दीजिए, सी वन कॉस ये मिला आपको सी पी टी प्लस सी टू साइन सी पी टी ये मिल गया। तो इसमें क्या करा आपने, साइन की जगह क्या एक्स की जगह क्या लगा देना है, एल लगा देना है, सी फोर साइन पी एल ये आपने लगा दिया। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या है, अब ये वाले टर्म तो जीरो आपका हो नहीं सकता है क्योंकि आपका पूरा सोल्यूशन ही जीरो बन जाएगा, तो आपका यानी कौन सा टर्म जीरो हो सकता है, ये वाला सी फोर साइन पी एल वाला। अब देखिए इसमें सी फोर को भी आप जीरो नहीं कर सकते हैं, सी फोर को जीरो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सी फोर भी जीरो हो गए तब भी आपका ये पूरा जीरो मिल जाएगा, लेकिन साइन पी एल आपका जीरो हो सकता है क्योंकि वो कहीं आपको जीरो वैल्यू देगा कहीं नॉन जीरो वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या मिला, तो साइन पी एल इक्वल्स टू जीरो, और साइन की वैल्यू जनरल वैल्यू जीरो किस पर होती है, एन पाई पर होती है, तो इसका मतलब पी एल इक्वल्स टू एन पाई, तो पी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, एन पाई अपॉन एल मिल गई। तो जो आपका अब सोल्यूशन मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, अब हेंस सोल्यूशन इज, क्या वो आपका सोल्यूशन मिल रहा है, अब देखिए वाई एक्स टी में वैल्यू रखते हैं, वाई एक्स टी इक्वल्स टू सी वन कॉस पी की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस सी टू साइन, इसकी वैल्यू रख दीजिए एन पाई सी टी अपॉन एल, एन पाई सी टी अपॉन एल, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। और इसके साथ साथ ही साइन वाले टर्म में भी लगा दीजिए, अभी साइन वाला टर्म रह गया है एन पाई सी टी अपॉन एल, और जो इसका ये साइन वाला टर्म बाहर आपको दे रखा है इसमें भी वैल्यू लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सी फोर साइन पी की वैल्यू आपने क्या लगा दी यहाँ पर, एन पाई, तो एन पाई अपॉन एल, तो पी की वैल्यू यहाँ पर लगाई तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये साइन पी एक्स है साइन एल इक्वल्स टू दिस, तो इसमें लगा रहे हैं क्योंकि एक्स की जगह, तो पी की वैल्यू तो हो जाएगा एन पाई एक्स अपॉन एल, एन पाई एक्स अपॉन। तो देखिए अब आपका जो सोल्यूशन वो ये बन गया है सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाने, तो जब आपने सेकंड बाउंड्री कंडीशन अभी तक लगाई है तो आपने देखा कि जो आपकी पी की वैल्यू है वो क्या हो गई है, एन पाई अपॉन एल हो गई। तो आपने पूरे सोल्यूशन में यहाँ पर पहली कंडीशन लगाई थी आपका एक कॉन्स्टेंट चला गया था, लेकिन जब आप दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं तो कॉन्स्टेंट आपका कोई भी यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, बल्कि आपको एक नया कुछ मिल गया है, वो क्या मिला है आपको कि पी की वैल्यू एन पाई अपॉन एल लगा दी, तो आपने लगा दी एन पाई सी टी अपॉन एल, सी टू साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, और सी फोर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, सब जगह पी की वैल्यू आपने लगाई। तो आपका जो सोल्यूशन है वो अब ये है, इस पर आप नंबर भी डाल सकते हैं, ये आपका आ गया है नंबर 16, 15 तक आप पहुंच गए थे, तो इसको लिख दीजिए सोल्यूशन को एक बार फिर से, यहाँ पर क्या मिला आपको, वाई एक्स टी इक्वल्स टू सी वन कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल सी टू साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, और ये कितना मिल गया आपको,
ये मिल जाएगा सी फोर, कितना मिल रहा था ये सी फोर साइन एन पाई एक्स अपॉन साइन एन पाई एक्स अपॉन, ये जो अभी तक आपका सोल्यूशन है जो आपको 16 इक्वेशन तक मिला है वो ये है। अब क्या करते हैं इसके ऊपर थर्ड बाउंड्री कंडीशन लगानी है। अब देखिए जो आपकी जो स्ट्रिंग थी वो चूंकि इनिशियली एट रेस्ट थी, जो आपका जो स्ट्रिंग रखी हुई थी वो आपको एक पोजीशन दे दी गई, लेकिन वो पोजीशन क्या है टी इक्वल्स टू जीरो पर है, तो यानी वो आपको क्या दी गई है इनिशियल कंडीशन आपको दे दी गई थी कि जीरो पर थी, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी जीरो थी, तो आपकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो आप लिखेंगे सिंस द स्ट्रिंग वाज इनिशियली इन रेस्ट। देखिए वो इनिशियली रेस्ट में थी चूंकि ऐसा तो नहीं था पहले से उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहे थे, वाइब्रेशन कब हुए जब आपने उसको एक डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आपने उसको एक डिस्प्लेसमेंट दिया तब उसके अंदर वाइब्रेशन होने शुरू हुए, तो इनिशियली रेस्ट थी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, तो ये आपको पता है। तो आप देखिए करना क्या है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 16 आई है इसका आप क्या करेंगे टी की रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो जब आपने किया तो क्या मिलेगा आपको डेल वाई ओवर डेल टी, तो देखिए ये कितना मिला सी वन कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल, जब इसका करेंगे तो किसमें चूंकि टी में कर रहे हैं तो एन वाई तो मिलेगा आपको ये एन पाई सी टी अपॉन एल, एन पाई सी टी अपॉन एल, दूसरा आपको मिल गया है साथ में जब इसका टी में करा है तो कितना मिलेगा एन पाई सी अपॉन एल, ऐसे ही दूसरे टर्म का करेंगे जब आप ये तो सी वन कोस का कितना हो गया आपके पास ये साइन हो जाएगा सी वन कोस का हो जाता है साइन माइनस का एन पाई सी टी अपॉन एल, ये कितना हो जाएगा सी टू साइन का कितना हो जाएगा कोस एन पाई सी टी अपॉन एल और मल्टी जब टी में करा है तो एन पाई सी अपॉन एल, ये वाला C4 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आपका एडिटिव रखा है। देखिए टी में जब आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया आप जानते हैं साइन का कोस होता है कोस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, अब जब चूंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बाकी सारा कॉन्स्टेंट है एन पाई सी अपॉन एल एडिटिव रखा रहेगा। ऐसे ही जब आपने दूसरे टर्म का किया तो सी4 में कितना आ गया साइन, साइन का कितना हो जाएगा कोस हो जाएगा, तो सी2 कोस एन पाई सी टी अपॉन एल एन पाई सी अपॉन एल हो गया, तो सी फोर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करा है सिंस आपका क्या है ये जो कंडीशन आपको दी गई है कि डेल वाई ओवर डेल टी इक्वस टू जीरो एट टी इक्वस टू जीरो, तो इसमें क्या करेंगे इस वाले इसी कंडीशन में आप क्या करते हैं ये जो आपके पास है इन सबकी वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा आपको माइनस सी वन साइन जीरो, और ये आपका जो टर्म है ये कॉमन आ गया है जो बाहर आपको ये दे रखा है इसे कॉमन में निकाल लेता हूँ, तो एन पाई सी अपॉन एल जीरो इक्वल्स टू एन पाई सी अपॉन एल, तो माइनस सी वन क्या क्या मिल रहा है आपको टी एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू क्या लगा दीजिए जीरो, तो साइन जीरो प्लस सी वन साइन जीरो प्लस सी टू ये कॉस जीरो आपको मिल गया, और सी फोर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये क्या मिल गया आपको इस एन पाई एक्स अपॉन एल आपको यहाँ पर मिल गया है। तो अब आपको इससे क्या मिलता है ये भी सब जीरो में चला गया आपका, तो यानी सी वन ये जीरो हो गया, तो यानी इसका मतलब जीरो इक्वल्स टू सी टू सी फोर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब देखिए सी टू सी फोर में से कौन सा जीरो हो सकता है, अब देखिए ये जो आपके पास है सी टू सी फोर, सी फोर तो आपका जीरो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, अगर सी फोर जीरो हो गया तो पूरा सोल्यूशन आपका जीरो मिल जाएगा, तो यानी इसका मतलब सी टू आपका जीरो हो गया, तो सी टू आपका जीरो हो गया तो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या मिलेगा आपको, अब सी टू आपका जीरो हो गया तो यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपको सोल्यूशन मिला एंड सोल्यूशन इज वाई एक्स टी, हेंस सोल्यूशन इज वाई एक्स टी सी वन कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल और सी फोर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, तो यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वाई एक्स टी इक्वल्स टू सी वन सी फोर कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल और साथ में ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एल।
अब आपका सॉल्यूशन ये मिल गया है आपको, इसको आप इक्वेशन नंबर बोल दीजिए, कितनी आपकी आ गई थी, कितनी आपके पास इक्वेशन आ गई, 16 आ गई थी, उसको 17 आप लोग बोल दीजिए, एक्स 17 आपके पास आ गई है। अब देखिए आपने तीन कंडीशन लगाई तो आपने देखा कि आपके दो कॉन्स्टेंट चले गए, लेकिन अभी दो कॉन्स्टेंट और बचे हुए हैं। जो तीसरी कंडीशन आपको दी गई वो क्या कहा गया था कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया गया था, आपने देखा कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा था कितना था वो आप देख सकते हैं, देखिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया था y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू y नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल, ये आपको दिया गया था y इक्वल्स टू y नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। तो आप लिख लीजिए सिंस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी जो आपको दिया गया था वाई एक्स जीरो, एक्स जीरो t इक्वल्स टू जीरो पर जो आपने दिया वो कितना दिया, y नॉट साइन क्यू पाई एक्स अपॉन एल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस वाले सॉल्यूशन में ये जो मेरे को अभी मिला है इसको मैं जनरल सॉल्यूशन लिख लूं और इसके बाद क्या करता हूं इसमें x के प्लेस पर x रखा रहने दूं, t के प्लेस पर जीरो रख दूं तो ये मेरे को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन के चूंकि लीनियर पावर है या नॉन लीनियर पावर है तो नॉन लीनियर को आप लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए लेट मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इसका बना दीजिए, लेट द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज क्या बना दीजिए आप इसका, वाई एक्स टी दोनों कॉन्स्टेंट को कंबाइन कर दीजिए, समेशन लगा दीजिए एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन, ये जो आपके पास सी वन सी टू थे इसको आपने बी एन से रिप्लेस कर दिया, कोस एन पाई सी टी अपोन एल, कोस एन पाई सी टी अपोन एल और साइन एन पाई एक्स अपोन एल, ये आपका मोस्ट जनरल सोल्यूशन आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर कहाँ तक आ गए थे आप लोग, 18 आ गए थे, इसको 19 बोल दीजिए कि आपका मोस्ट जनरल सोल्यूशन। अब इसके अंदर लगाते हैं क्या आपको कंडीशन पता है, सिंस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स जीरो इज वाई नोट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। अब देखिए इसको जरा जब इसके अंदर एक्स की जगह एक्स लगाएंगे ये कितना मिला आपको, ये वाई नोट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल, एक्स के प्लेस पर एक्स रखा रहने दें, टी के प्लेस पर जीरो लगा दीजिए तो बी एन कॉस ये कितना मिल गया आपका, जीरो मिल गया और साइन ये कितना मिल गया आपको, ये यहाँ पर x के प्लेस पर x रखा हुआ है तो n पाई x अपॉन l ये आपको मिल गया। तो ये कितना मिल गया, y नोट साइन क्यूब पाई x अपॉन l इक्वल्स टू n इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन n पाई x अपॉन l। अब देखिए क्योंकि दोनों साइड से आपको कॉन्स्टेंट का कंपेरिजन करना है तो इसको आपको लीनियर पावर में लिखना पड़ेगा, आपको पता है सिंस साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये आप जानते हैं तो आप इसको आगे कर लेंगे। तो आपने लिखा है सिंस साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ये लीनियर पावर है इसको मैं इधर ले आऊँ कितना मिल जाएगा आपको, आपके पास ये मिला आपको 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, इसका मतलब साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपने क्या करा, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए तो आपको ये साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है अभी क्या कन्वर्ट हो गया, y इक्वल्स टू y नोट जो था तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्योंकि साइन क्यूब ये आपको दे रखा है तो y नोट अपनी जगह रखा है, साइन क्यूब की जगह आप ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिलेगी आपको, ये पाई इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये जो आपका साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल है ये आपका बन जाएगा 1 बाई 4 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल, ये आपका मिल गया। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो कितना मिला, तो आपका सॉल्यूशन सो ये जो आपको मिला 1 वाई नोट अपनी जगह रहेगा, 4 अपनी जगह रहेगा, 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल, राइट हैंड साइड में जो आपका सॉल्यूशन आ रहा था वो क्या था, एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन, जो आपके पास राइट हैंड साइड में आ रहा था साइन एन पाई एक्स अपॉन एल साइन
एन पाई एक्स अपॉन एल। अब देखिए दोनों साइड चूंकि हमें कॉन्स्टेंट्स का कंपैरिजन करना है, जो आपके कोफिशियंट है उनका कंपैरिजन आपको करना है, तो आप राइट हैंड साइड को क्या कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिख लीजिए। राइट लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ ही गई है, पाई नोट बाई फोर थ्री साइन पाई एक्स अपॉन एल साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल। तो देखिए क्या मिल गया आपको, ये पी वन साइन पाई एक्स अपॉन एल, v2 टू साइन टू पाई एक्स अपॉन एल, v3 थ्री साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल, क्या आपके पास है एंड सो ऑन, इसको बोल दीजिए एंड सो कितने साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल एंड सो ऑन। अब देखिए करना क्या है, जब आप दोनों साइड से कंपैरिजन कर रहे हैं तो पहले टर्म का देखिए साइन पाई एक्स अपॉन एल वाले का साइन पाई एक्स अपॉन एल से कम कर दीजिए, तो आप लिख लीजिए एक बार फिर से इसको राइट हैंड साइड में जाकर, ये कितना आ गया था आपके पास, ये पाई नॉट पाई फोर, ये आपको कितना मिला था थ्री साइन पाई एक्स अपॉन एल थ्री साइन पाई एक्स अपॉन एल माइनस साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल, ये आपको कितना मिला, ये मिला आपको बी वन साइन पाई एक्स अपॉन एल बी वन साइन पाई एक्स अपॉन एल बी टू साइन टू पाई एक्स अपॉन एल बी टू साइन टू पाई एक्स अपॉन एल बी थ्री साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल एंड टू। देखिए जब कंपेरिजन करते हैं साइन पाई एक्स अपॉन एल का यानी पहले टर्म का, तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से कंपेरिजन कर, देखिए बी वन की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, बी वन आपको मिल रहा है थ्री वाई नॉट अपॉन फोर, तो कैसे मिल गया देखिए साइन पाई एक्स अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल बी वन की किससे कंपेयर की किया जाएगा। दूसरा टर्म बी टू वाला इसके अंदर है ही नहीं क्योंकि कोई सा भी टर्म साइन टू पाई एक्स अपॉन एल का नहीं है, तो बी टू कितना मिल गया है आपको जीरो यहां पर मिल गया। फिर तीसरे की आपने कंपैरिजन करी तो बी थ्री क्योंकि साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल है इसके पास, थ्री साइन पाई एक्स अपॉन एल का कोफिशियंट कितना मिल गया माइनस वाई नॉट अपॉन फोर, ये आपको मिल गया है ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं ना बी फोर वाला है आपका, ना बी फाइव वाला है, ना बी सिक्स वाला है, आगे सब क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएगी। तो आपने क्या करा दोनों साइड से इस प्रकार से इसको लिखा, तो पहला टर्म क्या है साइन पाई एक्स अपॉन एल, तो साइन पाई एक्स अपॉन एल का जब आप यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको कितना मिला थ्री वाई नॉट अपॉन फोर, ये मिल गया। सेकंड टर्म साइन टू पाई एक्स अपॉन एल है, तो साइन टू पाई एक्स अपॉन एल वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, तो यानी ये क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तीसरा टर्म आपने देखा फिर से, तो बी थ्री साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल है, तो साइन थ्री पाई एक्स अपॉन एल आपके पास है, तो थ्री पाई एक्स अपॉन एल आपको देख रहे हैं क्या मिलता है, जब इस साइड से कंपेयर किया तो आपको कितना मिला वाई नोट अपॉन फोर आपको यहाँ पर ये मिल गया है ठीक है। तो बी वन बी टू बाकी जो आगे वाले हैं, आगे वाले कोई टर्म आपको दिया हुआ नहीं है, दो टर्म आपको दिए हुए तो उसका आपने कंपैरिजन यहाँ पर कर लिया, बाकी सारे जीरो हो गए, तो इसका मतलब आपका ये जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन इज, हैंस सॉल्यूशन इज यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आया वाई एक्स टी इक्वल्स टू, देखिए b1 की वैल्यू क्या लगा दीजिए यहाँ पर 3y0 अपॉन 4 कितना मिलेगा साइन पाई एक्स अपॉन एल, b2 की वैल्यू 0 है, b3 कितना लगा दीजिए आपका b3 आपको कितना मिला है यहाँ पर y0 अपॉन 4 और ये कितना आ गया है आपका साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल। तो ये आपका क्या मिला है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, फाइनल आपका ये आंसर मिल गया। एक बार आपको बता देते हैं आपने क्वेश्चन, चूंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो इसमें कभी कभी आपको लगता है कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है, तो एक बार हल्का सा इसको रिवाइज कर देते हैं। आपको एक बार प्रोसीजर इसका एक बार फिर से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आप इसको देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया गया था जो आपके पास था कि ये आपको एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग दे दी जिसके एंड जो क्या कर दिएगा फिक्स कर दिएगा एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल पर। देखिए कभी भी आपको वन डायमेंशनल का वेव इक्वेशन का क्वेश्चन मिलेगा तो वो शुरुआत ही उसकी इस तरीके से होगी कि दैट वी हैव ए स्ट्रिंग टाइटेंड बिटवीन टू फिक्स एंड एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल, वो दोनों आपकी जो इनिशियल कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड वो फिक्स रहेंगी, वो कभी चेंज जल्दी से नहीं होंगी।
थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन में आपका चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपने क्या करा, पहले वही स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम बना ली आपकी वन डायमेंशनल की, इसको जीरो जीरो और एल जीरो पर आपने फिक्स कर दिया। आपको बताया कि चूंकि दोनों सिरे आपने बिल्कुल कस के बांधे हुए हैं, बिल्कुल टाइट करके बांधे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पर आप कितना ही वाइब्रेशन करिए इन दो सिरों पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आपने दोनों को फिक्स कर दिया, तो आपने बोल दिया कि पहली कंडीशन क्या होती है, जीरो टी इक्वस टू जीरो वाई एल टी इक्वस टू। इसके बाद क्या कहा गया, इज इनिशियली इन ए पोजिशन गिवन बाय दी, जो इनिशियल पोजिशन आपको दी गई है वो ये दे दी गई। इनिशियल पोजिशन मतलब जब टी की वैल्यू जीरो है तो किसी पोजिशन एक्स को आपको इस तरीके दे दिया गया, बाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। अब देखिए इनिशियली तो रेस्ट में थी, फिर आपने इसको एक पोजिशन इनिशियल पोजिशन आपको मिल गई, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है। तीसरी कंडीशन आपकी बिल्कुल वेल एलस्ट्रेटेड है कि जब आपको पता है कि जहाँ पर तीसरी कंडीशन कैसी है, आपको क्या कहा गया, रेस्ट में थी, एक पोजिशन इनिशियल दे दी गई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कब हुए, वेलोसिटी कब होगी, जब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इसको दिया जाएगा। तो आपने क्या करा, इसको इस फॉर्म में आपने वाइब्रेशन दिए, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजिशन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स टी, यानी वाई एक्स टी की वैल्यू आपको निकालनी। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी क्या लिख लिया है यहाँ पर, कि आपकी क्या आ गई है, वेव इक्वेशन आप जानते ही हैं, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आपके पास ये वाली होती है। अब इसका आपको क्या करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के थ्रू क्या करना होता है, आपको इसका सोल्यूशन निकालना होता है। तो करते क्या है, देखिए आप देख रहे हैं वाई किसकी चीज़ का फंक्शन है, एक्स और टी का आपका फंक्शन है। तो आपने वाई को कितना मान लिया, वाई इक्वल्स टू एक्स टी आपने यहाँ पर मान लिया, जहाँ पर आप मानते हैं एक्स एक्स का फंक्शन, टी टी का फंक्शन। अब देखिए जैसे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बहुत बार लगाया है, आपको पता है एक तो आपको डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू चाहिए और एक डेल टू वाई ओवर डेल टी टू चाहिए। ये काम आप बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, स्किप करता हूँ इसको मैं, ये आपको निकालना काफ़ी बार बताया जा चुका है। इससे आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपने एक्स वाला निकाल लिया और वेरिएबल अपने सेपरेट करके यहाँ पर लिख दिए, आपने दोनों की वैल्यू लगा दी, डेल टू वाई ओवर डेल टी टू की, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स टू तो आपके पास ही आई। वेरिएबल को सेपरेट करके लिखने का वही तरीका है कि एक्स वालों को बिल्कुल सिंपल लिखते हैं और जो बाकी वाले हैं उनको एक साइड ले आते हैं। अब देखिए एक बार तो आपको इसका जो केस वन लेना है उसमें आपको माइनस पी स्क्वायर के इक्वेट करना है। तो जैसे ही आपने माइनस पी स्क्वायर के इक्वेट किया तो आपके पास क्या आ गई है, सेकंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आपको पता है इसका आपको सी एफ निकालना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि ऑर्डिनरी वाले भी आपको सी एफ पी आई के रूल पता होने चाहिए। तो सी एफ आपने यहाँ पर देखा, तो सी एफ आप देख रहे हैं कैसा आ रहा है, जो आपके रूट्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट जब आते हैं तो क्या करते हैं, ए की पावर अल्फा टी सी वन कोस बीटा टी सी टू साइन बीटा टी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप टी में डील कर रहे हैं तो सारे जो आपके वेरिएबल है वो टी में ले, वहां पर एक्स वाला ना लें। क्योंकि जनरली होता क्या था कि वहां पर आप वाई और एक्स में लिखने के आप आदत में होते हैं, तो आपको यहाँ पर भी वही आदत होती है, तो आप यहाँ पर भी वाई और एक्स में लिखाते हैं, उससे आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पर टी में ही लिख लीजिए। आपने टी में लिखा, अल्फा आप देख रहे हैं क्योंकि रियल पार्ट इसका जीरो है, बीटा आप देख रहे हैं इसका क्या पार्ट आ गया आपको, पी सी आपको यहाँ पर मिल गया। तो यानी ये कितना मिला आपको, सी एफ की वैल्यू सी वन कॉस सी पी टी सी टू साइन सी पी टी आपको यहाँ पर मिल गया है। अल्फा की वैल्यू चूंकि जीरो थी तो ये मिल गया, पी आई आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड जीरो है तो वो आपको जीरो मिला। सेम वे आपने क्या करा, ऐसे ही एक्स के लिए सॉल्यूशन करा, अगेन आप देख पा रहे हैं फिर से एक आपकी है इस टाइप की इक्वेशन बनी, रूट तो आपने फाइंड आउट किया, फिर से कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट आए, फिर से वही रूल। इस बार देखिए अल्फा एक्स सी थ्री सी फोर कॉन्स्टेंट को आप लगातार बदलते रहिए, सी वन सी टू ले लिए तो नेक्स्ट टाइम आप सी थ्री और सी फोर ले लीजिए। तो सी थ्री और सी फोर आपने लिए यहाँ पर, तो सी एफ आपके पास ये आ गया, पी आई आपने देखा राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं तो जीरो मिल गया। तो एक्स की वैल्यू आपको मिली, दोनों ही जो आपकी इक्वेशन थी उससे आपने इसका सॉल्यूशन लिख दिया, वाई इक्वल टू टी एक्स कह दीजिए एक्स टी कह दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ये सॉल्यूशन लिखा, एक सॉल्यूशन आपको ये मिला। अब लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक सॉल्यूशन निकाल कर आ गए और उस पर जनरल कंडीशन लगा कर आ गए और आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको तीनों ही सॉल्यूशन निकाल के दिखाने, उसके बाद दो को आपको रूल आउट करना है और एक सॉल्यूशन पर आपको काम करना है, और रूल आउट भी विद अ वैलिड रीजन आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से कोई सा भी सॉल्यूशन ले लिया, उसका भी कारण होना चाहिए। आपने क्या करा, इसका केस सेकंड लिया, केस सेकंड में क्या है, प्लस पी स्क्वायर के इक्वल लिया, अगेन आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बनी। तो इस बार आप देख रहे हैं जो आपके रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में सी एफ लिखने का रूल आपको याद होना चाहिए, चार कॉन्स्टेंट यूज करते हुए सी फाइव ई की पावर एम वन टी सी सिक्स ई की पावर एम टू टी, ये आपने ले लिया। पी आई देखा जीरो है तो आपके पास ये टी की वैल्यू है। फिर से बिल्कुल ऐसे ही एक्स के लिए आपने सॉल्यूशन करा, फिर से इक्वेशन बनाई, फिर से आपके रूट्स कैसे आ गए हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आपके रूल आ गए हैं। तो फिर से अब क्या करा, सी सेवन ई की पावर एम वन एक्स सी। अब एक्स आपके पास चूंकि राइट हैंड साइड तो जीरो है, पी आई जीरो आ गया है, तो एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखा, एक्स ही आ गया। फिर से टी इन टू एक्स आपने इसका सॉल्यूशन कर दिया, एक सेकंड केस में आपको सॉल्यूशन मिला। अभी थर्ड केस आपने और लेना था, थर्ड केस आपका क्या है कि ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। तो जीरो के इक्वल है तो आपने क्या करना है वो देख लीजिए, ये आपका मिला तो आपने इसको टी डबल डैश इक्वल टू जीरो बोल दिया, तो एम स्क्वायर इक्वल टू आपका जीरो मिल गया। तो एम इक्वल टू आपका कितना मिला, जीरो और जीरो मिल गया। तो अब देखिए
जब आपके रूट्स क्या आ गए इस बार, ये रियल एंड रिपीटेड रूट्स हैं या रियल एंड इक्वल वाले केस हैं। तो यहां पर क्या होता है, सी नाइन ई की पावर एम वन टी इंटू टी सी टेन ई की पावर एम वन टी। टी में ही लिखा है क्योंकि मैं टी का ही सोल्यूशन कर रहा हूँ, टी की आप कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिख लिया। सेम वे आपने क्या करा, एक्स के लिए सोल्यूशन करा, तो ये कितना मिला आपको एक्स डबल डैश। फिर से आपके रूट्स कैसे आए, रियल एंड इक्वल आ गए हैं, तो आपने फिर से उसका सोल्यूशन लिखा सी इलेवन एक्स सी ट्वेल्व करके आपने सी एफ और पी आई दोनों को जोड़ा, एक्स की वैल्यू आ गई वाई टी टी एक्स आपने सोल्यूशन कर दिया। इसके बाद क्या करना है, कौन सा सोल्यूशन लेना है, आपने क्या कहा, चूंकि आप वाइब्रेशन संबंधी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं और ये वाइब्रेशन का ही आपका क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल जो वेव इक्वेशन आपको कही गई, तो यहाँ पर आपको ऐसा सोल्यूशन लेना चाहिए जिससे क्या हो जाए, आपके पास क्या मिल जाए, इसके सोल्यूशन है पीरियोडिक फंक्शन मिल जाए। बिकॉज पीरियोडिक फंक्शन आर कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर कंसिडरिंग द वाइब्रेशन प्रॉब्लम, और पीरियोडिक फंक्शन को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है पीरियोडिक फंक्शन। अगर आपके सॉल्यूशन में रहेंगे तो आपको वाइब्रेशन के जो आपकी जनरल इंटरप्रिटेशन या फिर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगा उसको दिखाने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये यार लाइन लिखकर आप कहते हैं कि हम सेकंड और थर्ड केस में मिले हुए सॉल्यूशंस को रूल आउट कर रहे हैं और फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को आप लोग ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन आपका ये आ गया था। अब देखिए इस पर इनिशियल कंडीशंस लगानी थी आपको। पहली कंडीशन क्या थी कि वाई एक्स जीरो जीरो के इक्वल है, तो वाई जीरो टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स के प्लेस पर जीरो रख दूँ, टी के प्लेस पर टी रखा रहने दूँ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के बराबर। ये आपने रखा ही आया। यहाँ पर भी आपको सोचना होता है कि इसको जीरो लें या फिर इसको जीरो लें। देखिए इसको अगर जीरो लेता हूँ तो पूरा मेरा सोल्यूशन जीरो मिल जाएगा, विच इज मीनिंगलेस। तो मैं क्या करता हूँ, सी थ्री को यहाँ से जीरो ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने सी थ्री को जीरो लिया तो मेरा एक कॉन्स्टेंट यहाँ से कम हो गया, तो अब मेरा जो सोल्यूशन है यहाँ सी थ्री जैसे ही जीरो रखा ये यहाँ से कट जाएगा, तो आपका ये सोल्यूशन अब आपका इतना बचा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वही दूसरे फिक्स एंड वाली, तो वाई एल टी इक्व टू जीरो। जैसे ही इसका मतलब क्या है कि एक्स के प्लेस पर एल रख दूँ, टी के प्लेस पर टी रख दूँ, तो क्या मिल जाएगी, वैल्यू जीरो मिल जाएगी वाई एक्स। क्या आपने रखा, फिर से वही कंडीशन मिली। अब देखिए क्या यहाँ से सी फोर जीरो हो सकता है, ये तो देखिए हो नहीं सकता क्योंकि सोल्यूशन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से सी फोर जीरो हो सकता है, साइन पी एल जीरो हो सकता है। अब देखिए सी फोर अगर आपने जीरो ले लिया तब भी आपका सोल्यूशन जीरो मिल रहा है। अब साइन पी एल एक ऐसा टर्म है जो कि कभी जीरो वैल्यू देगा कभी नॉन जीरो, साइन की वैल्यू कभी जीरो होती है कभी नॉन जीरो, तो आपने साइन पी एल को क्या लिया यहाँ से जीरो के इक्वल। पी की वैल्यू एन पाई अपॉन एल मिली, इसको आपने प्रीवियस सोल्यूशन में रखा, तो आपके पास सोल्यूशन अब यहाँ। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग है वो शुरू में रेस्ट में रखी हुई है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो यानी डेल वाई ओवर डेल टी इक्व टू जीरो व्हेन टी इक्व टू। आपने अपनी जो सॉल्यूशन अभी तक मिला था उसका एक बार टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, सी वन कोस एन पाई सी टी का माइनस सी वन साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, और चूंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एन पाई सी अपॉन एल आ गया, सी टू साइन का कोस आ गया एन पाई सी अपॉन एल आ गया, सी फोर ये आ गया। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू जीरो है किस पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर, तो यानी इसके अंदर टी की वैल्यू जीरो रख देता हूँ और इसको जीरो के इक्वेट में कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये काम किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई। तो आप देखिए यहाँ से सी टू सी फोर में से कौन सा जीरो हो सकता है, देखिए सी फोर तो जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जब आपका प्रीवियस सोल्यूशन आ रहा है, सी फोर जीरो ले लिया पूरा सोल्यूशन आपका जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हैं, सी फोर जीरो नहीं ले सकते आप, तो कौन सा ले सकते हैं, सी टू को आप जीरो ले सकते हैं क्योंकि सी टू या सी फोर में ही आपको डिसाइड करना था। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पर सी टू को आपने डिसाइड करा कि सी टू क्या ले लेना है, इस बार जीरो ले लेना है। तो सी टू को आपने जैसे ही जीरो रखा तो आपके पास क्या सोल्यूशन आपको मिलेगा, वही आपका जीरो के इक्वेट किया। इसके आगे आपने देखा कि आपने यहाँ से बोल दिया कि सी टू जीरो है, तो जैसे ही आपने यहाँ से सी टू जीरो रखा तो आपका सोल्यूशन क्या मिल गया कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज सी टू इज इक्व टू, जैसे ही सी टू आपको जीरो मिला, सी वन अब आपका जो सोल्यूशन था प्रीवियस वाला उसमें आपने सी टू की वैल्यू को जीरो रख दिया, तो ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या मिला, सी वन कोस एन पाई सी टी अपॉन एल, सी फोर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आपका सोल्यूशन। अब देखिए लास्ट कंडीशन और है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब टी इक्व टू जीरो पर जिस पोर्ट से आपने उसको डिस्प्लेस किया, तो वो आपको दिया गया वाई एक्स जीरो इक्व टू वाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल। देखिए इन क्वेश्चन के अंदर हर एक टर्म के अंदर कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स होती हैं। अब देखिए ये आपको क्यूब पावर में दे रखा है, सोल्यूशन आपका लीनियर पावर में आ रहा है, तो देखिए आपको कैसे करना है। ये आपने लिख दिया कि वाई एक्स टी, अब आपका इतना इसका मोस्ट जनरल सोल्यूशन आपने लिख दिया। क्या लिख दिया, सी वन सी टू को लिख देंगे भैया, वी एन किसके बराबर है, जो आपका क्या आ रहा था, ये जो दो कॉन्स्टेंट थे आपके सी वन सी फोर, इसकी जगह आपने कॉन्स्टेंट क्या ले लिया, सी वन सी फोर की जगह एक नया कॉन्स्टेंट बी एन लिख लिया, समीशन ले लिया, ये आपने बोला। अब देखिए क्या करना है, वाई एक्स जीरो यानी एक्स के प्लेस पर एक्स रखूँ और टी के प्लेस पर मैं जीरो अगर रख दूँ तो मेरा सोल्यूशन मुझे ये मिल जाएगा। तो देखिए वाई साइन क्यूब फाई एक्स अपॉन एल ये मेरे पास है, तो अब देखिए ये क्यूब में है, ये वाला लीनियर पावर में, ये मैंने यहाँ पर जीरो रख दिया तो ये मेरे पास आ गया। अब देखिए क्यूब की तो इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो मैंने क्या करा, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला यूज किया। साइन थ्री एक्स क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। बार बार आपको डायरेक्ट किया जाता है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने अच्छे तैयार रखें, फॉर्मूले कहीं भी यूज हो जाते हैं। इसको आपने इस फॉर्मूले का यूज करके लीनियर पावर में कन्वर्ट किया, लीनियर पावर में जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल की। इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा,
फिर आप करके आ रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि दोनों साइड कंपैरिजन करना है तो आपने समेशन को थोड़ा खोल कर लिख दिया, दो तीन वैल्यू आपने यहाँ पर लिख। आप देखिए, जब दोनों साइड से कंपैरिजन कर, यहाँ साइन पाई एक्स अपोन एल वाला टर्म है तो यहाँ भी साइन पाई एक्स अपोन एल वाला टर्म है। कंपैरिजन करने पर वी वन की वैल्यू आई, साइन टू पाई एक्स अपोन एल वाला है ही नहीं तो यानी ये कितनी हो गई, वी टू की वैल्यू जीरो हो गई। साइन थ्री पाई एक्स अपोन एल वाला है, साइन थ्री पाई एक्स अपोन एल वाला है, इसका कंपेरिजन किया, आगे के टर्म है ही नहीं तो यानी वी टू और वी फाइव वी सिक्स सब क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे। तो दोनों की वैल्यू को वी वन और B3 की वैल्यू को आपने अपना जो सॉल्यूशन आया था उसमें रखा, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो आपके फाइनल डिस्प्लेसमेंट आया उसकी वैल्यू आपकी क्या, ये आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें भी कोई और सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेंगे। जो वेव इक्वेशन है उसके तीन या चार टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, दो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, एक या दो क्वेश्चन इसके ऊपर रोल लेंगे हम, और उसके बाद फिर आगे टू डायमेंशनल या हीट इक्वेशन, पहले सिंगल डायमेंशनल वाली फिर टू डायमेंशनल वाली की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक क्वेश्चन ही आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको आप होमवर्क में करके देखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये भी अपने आप में एक टिपिकल क्वेश्चन है तो हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से होगी मुलाकात, तब तक आप बिल्कुल चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।